नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के बिग डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एक साल में 27,792 करोड़ रुपए खर्च करने वाली एमपी सरकार के राज में सरकारी स्कूलों के बुरे हाल हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद प्रदेश के अनेक स्कूलों से आई तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। हम आपको ऐसे ही हकीकत से रूबरू कराएंगे जो सूबे में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट और सर्व सुविधा युक्त माहौल में शिक्षा देने के वादे के ठीक उलट है। देखिए रिपोर्ट। यह है मुख्यमंत्री निवास से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर बना राज्य सरकार का अनोखा स्कूल, जहां एक कमरे में 7 चलती है 5 क्लासेस। यहां बर्थडे से लेकर 13वीं तक के कार्यक्रम भी होते हैं। यहां 10x15 के कमरे में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल के बारे में और कुछ बताएं, इससे पहले सुन लीजिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और बच्चों के मामा को, जो हाल ही में देश की राजधानी में एमपी की स्कूल शिक्षा व्यवस्था का गुणगान कर रहे थे। तो सीएम राइज स्कूल की जो हमारी कल्पना है, 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल है। हर गांव में 20-25 गांव के बीच में अच्छी बिल्डिंग, 24 करोड़ की एक बिल्डिंग डिजाइन की हम लोगों ने, उसमें लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास। बच्चों को अगर शिक्षा देनी तो केवल उस गांव में बैठ के नहीं, भोपाल दिल्ली से भी उसको लेक्चर दिया जा सके। और केवल उस गांव के लिए नहीं होगा, सवेरे बस जाएगी, सड़कें शानदार है, गांव से बच्चों को लेगी, स्कूल लाएगी, शाम को घर पे स्कूल को मैं स्कूल से बच्चों को छोड़ देगी। प्राइवेट स्कूल वाले भी तो इकट्ठा करते हैं बच्चों को, गरीब किसान के बेटा बेटी को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। राजभवन के पीछे रोशनपुरा बस्ती में ये अनोखा प्राइमरी स्कूल है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा फिलहाल 3 टीचरों के पास है। यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे कमजोर वर्ग के हैं। देश की सरकार है, चाहे बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब शिक्षा को लेकर बड़ी बातें होती है तो राजधानी के हाल हम देखते हैं। हॉल में देखें आप तो हॉल में जिस प्रकार से एक सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पर एक ही क्लास, एक ही रूम आप देख सकते हैं, एक रूम है जिसमें आपको यहाँ पे 5 क्लासेस, यानी कि मैं बता दूं ये पहली कक्षा है जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली कक्षा पे साफ लिखा है। दूसरी कक्षा भी जैसे अभी शुरू हुआ है स्कूल, अभी बच्चे कम है, जरूर आने वाले हैं क्योंकि आते ही अभी बच्चे टाइम नहीं हुआ। ये है हमारी दूसरी क्लास, आप देख सकते हैं कि दूसरी क्लास में बच्चों को बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से है, कि बच्चे कैसे बैठेंगे। इसके बाद एक और एक बड़ी विचित्र चीज हमें यहाँ को देखने को मिल रही है, ये है एक पहली लाइन में जो बैठे हैं ये तीसरी क्लास के बच्चे हैं। अगर तीसरी क्लास के आज इन बच्चों के भविष्य की हम बात करें, स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो किस प्रकार का है तीसरी और ये चौथी, 5वीं क्लास और आने वाली, यानी कि एक हॉल में एक सामुदायिक जो केंद्र है उसमें 5 क्लासेस एक रूम में लग रही है और सरकार की आंखें हैं कि खुल नहीं रही है। तो सर इसमें तो बच्चों का भविष्य नहीं है, अगर एक ही क्लास में 5 स्कूलें लग रही तो कहाँ से क्या चाहेंगे। तो सर इसके लिए मैडमों को अलग अलग क्लासे लगाना चाहिए, अलग अलग जगह पे स्कूल देना चाहिए। भवन की समस्याएं हैं नगरीय क्षेत्र में, जहाँ पे हमको स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स में करा रहे हैं। फिर भी जो हम मतलब क्वांटिटी ना करते हुए क्वालिटी पर कर रहे हैं, और सीएम राइज स्कूल्स जो भी पास में होंगे या जो भी अच्छे विद्यालय होंगे और उनसे बताएं, धीमे धीमे ये हम मर्ज करेंगे। एमपी में स्कूलों के हाल किसी से छिपे नहीं है। अब कुछ और तस्वीरें देखते हैं जो वायरल हुई और सरकार के दावों की पोल खुल गई। दृश्य एक, सिवनी में सरकारी स्कूल की पानी टपकती छत के नीचे छाता लगाकर पढ़ते बच्चे। दृश्य दो, हरदा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती बच्चियां। दृश्य नंबर 3, मामा स्कूल की सड़कें बनवा दो, रीवा के मासूम बच्चों का संदेश। दृश्य 4, स्कूल में शिक्षकों के लिए पानी ले जा रहे छात्र। दृश्य 5, सीएम राइज स्कूल की किचन की छत खाना बनाने वाली बाइयों पर गिरी। दृश्य 6, छतरपुर शासकीय स्कूल में भरा भूसा, बंदी गाय भैंस, शिक्षकों पर टाइम से स्कूल नहीं पहुंचने का आरोप। ये कुछ उदाहरण हैं जो पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की असलियत खोल कर रख देती है। असर संस्था की 2022 में जारी हुई रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के हाल, कक्षा दो के साथ अन्य कक्षाओं के 89% बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चौथी कक्षा के बच्चों के साथ अन्य कक्षाओं के 85% बच्चों को बैठाया जा रहा है। स्कूलों में इन्हीं अव्यवस्थाओं का नतीजा है। स्कूल शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट से सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। यही वजह है कि पहली से तीसरी में पढ़ने वाले 25 लाख बच्चों में से करीब 79% बच्चे अक्षर तक नहीं पहचान सकते। 75% बच्चों को शब्द नहीं आते। 85% बच्चे वाक्य तक नहीं बना पाते। ये सब तब है जब सरकार एक साल में स्कूल शिक्षा पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस मुद्दे पर गंभीर सोच की बजाय बीजेपी कांग्रेस के पास सिर्फ सियासी बातें हैं। अगर एक कमरे के अंदर एक से अधिक क्लास लगेगी तो क्या पढ़ाई होगी, इसका हम अच्छे से समझ सकते हैं। शिवराज जी को चाहिए कि वो संज्ञान लें। मुझे मालूम है कि उनके संज्ञान में पहले से होगा, लेकिन अगर ये इरादा कर लिया है सरकार ने कि निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाना है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को गिराना है, खाना पूर्ति करनी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जो हमको जिस तरीके से 2003 में राज्य मिला उसको लगा करके अभी तक के इस सफर में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार ने जो काम किए हर क्षेत्र में और उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाने का काम माननीय शिवराज जी की सरकार लगातार परिश्रम के माध्यम से कर रही है। अब जान लेते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। एमपी में स्कूल एजुकेशन के हाल। प्रदेश में 92,695 स्कूल है। इन सरकारी स्कूलों में 94 लाख बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों की संख्या 3 लाख है। इनमें से 28,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। 4,500 स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 2,304 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 81,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब फैसिलिटी नहीं है। 76,000 स्कूलों में आज के युग में भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के करीब 21,000 स्कूल भवन क्षतिग्रस्त है। 18,000 स्कूल भवन अधिक क्षतिग्रस्त है। करीब 2,000 स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कक्ष की व्यवस्था नहीं है। राज्य के गरीब तबके के माता पिता बड़े अरमानों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये सोचकर कि वो पढ़ लिख कर उनके सपनों को पूरा करेंगे। पर आज भी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अपने खराब बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तर के लिए जाने जाते हैं। स्कूल परिसर की दरकती दीवारें, अस्त व्यस्त परिसर, जीर्ण शीर्ण कक्षाएं जहाँ बच्चों के बैठने की पूरी जगह भी न हो, अस्वच्छ शौचालय, बच्चों की क्लासेस लगाने के लिए रूम या जगह की कमी। अब ऐसे में ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वहाँ जाने वाला बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर पाएगा। और पांचवी तक तो हर बच्चे का फाउंडेशन तैयार होता है, लेकिन इस उम्र के बच्चे जो होते हैं सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं, और अगर इस उम्र में उनकी अच्छे से शिक्षा ना हो तो वो आगे तक उनकी जो है नींव कमजोर रहेगी। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के नारे के साथ ये दावे करने वाली राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में नाकाम साबित हुई है। सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय खोलने वाली सरकार जब बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा व्यवस्था ही नहीं उपलब्ध करा पाई, तो फिर कैसे दावे और कैसी विकास यात्रा। संजय डोंगर दिवे के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो दावे हैं, दावों का क्या, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान, बीजेपी पूर्व विधायक सुकृति जैन, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुकृति जैन आपके पास आएंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया, जो दावे हैं, जो तस्वीरें हमने दिखाई, खोखले नजर आ रहे हैं। जैन साहब, मैं बात समझ गया हूँ जी। थोड़ा सा आप यदि समय पर विचार करें जी, 1 लाख सरकारी स्कूल हैं, बच्चों की संख्या 94 लाख बताई गई जी। अब आप कल्पना कर सकती हैं कि जो आपने रिपोर्टिंग व्यक्त की है, ये निश्चित रूप से वो तो आपने करेक्शन किया होगा, उसमें कहीं कोई इतराज नहीं। लेकिन दूसरे पक्ष जो अच्छे स्कूल है उनका करेक्शन कहाँ है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहाँ के रिजल्ट अच्छे हैं, बच्चे जहां से निकल के इंजीनियर बनते हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं, वो भी तो आखिर मध्य प्रदेश के स्कूलों से पढ़कर निकले हैं, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। तो एक दूसरा पक्ष जो है वो भी जनता के सामने आना चाहिए। शिवराज जी की सरकार आज
लगभग 20 वर्षों से चल रही 18 वर्षों से चल रही है। ये शिवराज जी की सरकार ने ही इन्हीं सरकारी स्कूल के बच्चों से पढ़कर न जाने कितने विधायक बने और कितने मंत्री बने, कितने बड़े उद्योगपति बने। वो बात तो आपकी जैन साहब सही है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है मामा जी से बच्चे जो हैं गुहार लगा रहे हैं कि हम गिर जाते हैं, हमारी जो कॉपी किताब है वो गिर जाते हैं, नदी बीच में पड़ती है, दलदल पड़ते हैं, वो सबका क्या? उसको तो हम मान रहे हैं। मैं भी आपसे आपकी इस बात से सहमत हूँ जी। क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? जो सही है वो तो सही है, लेकिन जो गलत है, जहां पर व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, उसको तो दुरुस्त करना चाहिए ना। आई एग्री जी, मैं सहमत हूँ बिल्कुल। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जो आपने रिपोर्टिंग दी है निश्चित रूप से सही रिपोर्टिंग है। और जब 1 लाख सरकारी बिल्डिंग है, 95 लाख बच्चों की संख्या, 3 लाख शिक्षक, ऐसे जब इतना बड़ा मध्य प्रदेश का ढांचा भी शिवराज जी ने ही खड़ा किया है। और दूसरी बात जो है कि ये जो कमियां आप लोग दिखा के वास्तव में सरकार की बहुत बड़ी मदद कर रही हैं जी, इससे कि सरकार के संज्ञान में ये सारे मामले आते हैं और मामले आने के बाद में उनमें सुधार होता है। देखिए, कहीं पर भी किसी भी व्यवस्था में अच्छे और खराब दोनों तरह के लोग होते हैं। जो व्यक्ति सजगता से बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनके द्वारा पढ़कर बच्चे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, खेल में नाम रोशन कर रहे हैं और नए नए अनुसंधानों में नाम रोशन कर रहे हैं। और जहां कमियां हैं तो निश्चित रूप से जैन साहब हमारे साथ शहरयार खान जी भी जुड़े हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया खान साहब? देखिए, मेरे को हमारे जैन साहब की बातों पे हंसी आ रही है। आप पूर्व विधायक हैं, आपकी 18.5 साल मध्य प्रदेश में सरकार चल चुकी है और आप बोल रहे हैं कि इन्हीं स्कूलों से कोई उद्योगपति बना होगा, कोई विधायक बना होगा। तो आप डाटा लेके आते कि इन 18.5 सालों में इन स्कूलों में से पढ़ने के बाद या 18.5 साल में कोई उद्योगपति बन जाएगा या विधायक बन जाएगा? आप कैसी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सीएम राइज स्कूल का जो शिवराज जी गुणगान कर रहे हैं, वो स्कूलों का राइज नहीं होना, वो शिवराज सिंह चौहान का वो 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्कूलों से भाजपा और शिवराज सिंह चौहान का राइज होना है। मध्य प्रदेश की दशा स्कूलों की और शिक्षा नीति की पोल मैं साधुवाद दूंगा स्वराज एक्सप्रेस की टीम को, जिन्होंने इतने अच्छे डाटा के साथ पूरा आईना दिखाया शिवराज सिंह चौहान को। महामहिम मध्य प्रदेश की दीवार के पीछे जो स्कूल को दिखाया, वो स्कूल में तो दुश्मनों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने भेजना चाहिए। और आपको हास्यास्पद नहीं लग रहा? राजधानी के गवर्नर हाउस के पास की स्कूल की ये दशा है तो मध्य प्रदेश के दूर दराज और ग्रामीण अंचलों की क्या व्यवस्था होगी? वो भी दिखाई स्वराज एक्सप्रेस ने। शिवराज सिंह चौहान के जिला जो सीहोर है, वहां की बच्चियां हर बरसात में ये रिपोर्ट आती है कि वो पानी का नाला आधे आधे पैरों से और पेट तक से बच्चे डूबते हुए जाके अपनी शिक्षा के लिए जाने को मजबूर हैं। लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार, ये मामा जो फर्जी बने हुए हैं बच्चियों के, उनको अपने जिले की बच्चियों का दर्द अगर 18.5 साल में नहीं दिखाए तो ये बताता है कि ये धोती और घोषणाएं जो खोखली करते हैं और इनको घोषणा वीर मुख्यमंत्री बोला जाता है तो ये गलत नहीं है। ठीक है खान साहब, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, योगी राज योगेश जी। कुछ भी दे दो लेकिन हकीकत बताइए स्वराज एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने। जी बिल्कुल योगेश जी, सरकार जो है तमाम दावे करती है पढ़ाई को लेकर, लेकिन जब टीम गई हमारी तो सब खोखले साबित हुए। देखिए सही बात है, कई जगह स्थितियां बदतर हैं जी और बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। जैसे राजधानी के एक स्कूल का जिक्र इस रिपोर्ट में किया, राजधानी में कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां शौचालय तक नहीं है जी। और ये तब है जब इसके लिए बड़े व्यापक तौर पर अभियान चलाया गया जी। और ये इतना आवश्यक है क्योंकि आज जो शिक्षक हैं, योगीराज जी आपको रोकना चाहूंगे, आपने शौचालय की बात की है, इसकी वजह से ही 10,000 बेटियों ने स्कूल छोड़ दिया शौचालय टॉयलेट के नहीं, टॉयलेट नहीं होने के कारण जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये इतनी आवश्यक एमिनिटीज है कि ये हर हाल में होना ही चाहिए जी। और ये क्यों होना चाहिए कि आज जो मध्य प्रदेश में जो शिक्षक है उसमें पहले एक समय था जब मेल टीचर से ज्यादा रहा करते थे जी। आज फीमेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अब शौचालय ही नहीं होंगे तो वो उनकी क्या स्थिति होती होगी उन फीमेल्स की जी। कई बार घंटों तक उनको इंतजार करना पड़ता है, या कई टीचर्स ऐसे हैं जो घर से गए और फिर घर आके उनको ये सब निवृत्ति के काम करने पड़ते हैं। तो ये शारीरिक दृष्टि से भी बहुत गलत है, फिजिकली बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है।
और चूंकि जब इतना पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो स्वच्छता अभियान के नाम पर हो, चाहे शिक्षा एजुकेशन डेवलपमेंट, एक साल में 27,792 करोड़ रुपए खर्च करती है एमपी सरकार। हाँ, तो ये कम से कम बेसिक इम्यूनिटीज होनी चाहिए। ये मतलब हर, चाहे कोई भी सरकार हो, पहला काम ये होना चाहिए कि कम से कम ये जो बहुत आवश्यक चीजें हैं वो हर स्कूल में अनिवार्य रूप से लागू हो, तभी वो स्कूल को खोलने की परमिशन दी जाए। क्योंकि आप ऐसे स्कूल के केवल दीवारें खड़े कर देंगे और छत डाल देंगे, और यदि बेसिक एमिनिटीज आप नहीं करेंगे तो वो ऐसे स्कूल का कोई मायने नहीं है, वो केवल ना केवल शिक्षकों के हिसाब से बल्कि बच्चों के हिसाब से भी। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं, सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और जिन जिन स्कूलों का जिक्र किया, यदि सरकार का कोई नुमाइंदा इसको देख रहा है, तो कम से कम ये जो चार चीजें जो आपने दिखाई, यही मान लो दुरुस्त हो जाए तो हम मानते हैं कि चलो सरकार इस दिशा में काम कर रही है। क्योंकि आप एक एक करके छोटी छोटी चीजों को आप पूरी करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे तस्वीर अच्छी बनेगी और शिक्षा के हाल बहुत अच्छे होंगे। जी, सुकृति जैन जी के पास चलते हैं। जैन साहब, आपने एक बात कही कि मीडिया जो है सरकार की कमी जो है दिखाती है, तो क्या जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनका कर्तव्य नहीं होता है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मीडिया जब दिखाएगी तभी आप लोगों की आंखें खुलेगी, सरकार की आंखें खुलेंगी। निश्चित रूप से मैं एक योगी राज जी की बात से मैं सहमत भी हूँ जी, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका दायित्व ही ये है। तो दायित्व कहाँ निभा रहे हैं? अगर दायित्व तो निभाते जनप्रतिनिधि जो, तो आज हम तस्वीरें दिखा रहे हो, तस्वीर नहीं देखने को मिलती। जैन साहब, हाँ, मैं एक निवेदन जो आपसे मैं पहले कर चुका हूँ कि आपका चैनल हो और कोई सा भी चैनल हो, ये जो काम कर रहे हैं सरकार का वो कमजोर पक्ष है जी। जहाँ पर लापरवाह कर्मचारियों के कारण सरकार को थोड़ा सा उसको सामने लाते हैं। योगी राज जी भी कह रहे थे हमें एक अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे नागरिक होने के नाते एक सकारात्मक पहलू लेके चलना चाहिए, सरकार की कमियों को बताना चाहिए। लेकिन सरकार इसके अलावा भी आज की तारीख में जब शिवराज जी ने सरकार संभाली थी तब से लगभग दुगने विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय, नई बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई हैं, वो भी सरकार के द्वारा किया गया काम है, वो भी शिवराज जी के द्वारा किया गया काम है। और निश्चित रूप से मैं आपके इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि जो व्यक्ति काम करता है अपेक्षा भी उसी से होती है। हमने तो उन स्कूलों से पढ़ा है कि जब पेड़ के नीचे, आज से 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे रहकर अध्ययन किया था, हमारा बोर्ड पेड़ के शाखा पर लटका रहता था, तब से तो स्थिति कई गुने बेहतर है। जी बिल्कुल, तो जैन साहब आप मानते हैं है। जी जैन साहब आप मानते हैं जो तस्वीरें आपने देखी, जो हमने रिपोर्ट दिखाई, वाकई में जो एमपी में सरकारी शिक्षा की बात करें कमजोर है? हाँ, मैं इस बात को आप मानते हैं, सहमत है मेरी इस बात से? जी, जहाँ कमियां हैं वो कमियां उजागर होने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी और वो कमियां दूर होंगी। ये एक सकारात्मक काम है ये। जी ठीक है, शहरयार खान जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को जैन साहब की स्थिति परिस्थिति समझ आ रही है कि वो चाहकर भी शिवराज सरकार के नाकाम प्रशासन को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं मान रहे हैं वो कि क्योंकि नहीं, वो अधिकारियों पे डाल रहे हैं। प्रशासन कौन चला रहा है? गवर्नेंस कौन कर रहा है? शिवराज सिंह चौहान, उनका शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री की कमान ढीली है तो प्रशासनिक अधिकारी तो फिर अंधे नगरी चौपट राजा की कहावत वो है। और जैन साहब बोल रहे कि इनके टाइम में ये पेड़ के नीचे बोर्ड, तो पेड़ के नीचे से अब हम कहां आ गए? क्लास रूम में छतरी लगा के पानी में बच्चे पढ़ते हुए यहाँ आ गए, तबेले में पढ़ते हुए यहाँ आ गए। ये प्रोग्रेस है आपकी? आप इसको प्रोग्रेस बोल रहे हैं? और हमारे मुख्यमंत्री लंबी लंबी देते हैं, उनकी आदत में शामिल है। 24 करोड़ का सीएम राइज स्कूल, 24 गांवों को जोड़ के वहां के बच्चों का शिक्षा देंगे। अरे भैया, मध्य प्रदेश की जनता कह रही है हमको मूलभूत सुविधा दे दीजिए, पानी बिजली है ना, और अच्छी शिक्षा दे दे, तो वो खुद अपने को सीएम राइज स्कूल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मध्य प्रदेश के विकास में देंगे। लेकिन नीति और नियत का सवाल है, इनका इवेंट करना, इनको कोई भी योजना में भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढना। आप बताइए, 24 करोड़ में एक स्कूल चाहिए? 24 करोड़ में अगर देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्लास और स्कूल चाहिए तो 1 करोड़ में बन जाएगा। लेकिन
24 करोड़ में भ्रष्टाचार कैसे नहीं हो? आपको मालूम है मैडम, जो अभी सीएम राइज स्कूल आ रहा है कविता जी, मेरे पास जानकारी है बालाघाट जिले की, वहां जो भी टेंडर जिसका भी हुआ, वो जो मार्केट में जो टेबल 1300 रुपए की है वो वहां पर सप्लाई हो रही है 6,000-6,500 रुपए। तो ये 1300 और 6,500 के बीच का मध्य प्रदेश की जनता की काढ़ी कमाई का भ्रष्टाचार, ऐसे ही इसकी कॉस्ट 24 करोड़ रुपए जा रही है। इससे मध्य प्रदेश के नौनिहालों का, मध्य प्रदेश के भविष्य का कोई भला नहीं होना, इससे भाजपा के नेताओं का आने वाले चुनाव में जो पैसा लगने वाला है वो ऐसे ही सीएम राइज स्कूलों से पाइप से लेकर और उसको अपने इवेंट और प्रचार में लगाने वाले हैं। इनको मध्य प्रदेश की जनता के हित अगर सरकार होता तो 18.5 साल में मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है, तो उसका रिजल्ट ये है कि अगर राज्यपाल की दीवार से लगे स्कूल का ये हाल है, मुख्यमंत्री के जिले का ये है कि बच्ची को बरसात में पानी की नदी। बिल्कुल खान साहब, योगी राज्य के पास चलते हैं। जी योगी राज्य, देखिए ऐसा है कि इतना निराश होने की जरूरत भी नहीं है, माहौल हालात ठीक है, खराब नहीं। योगी राज जी, अगर मध्य प्रदेश का आपका हमारा जो, लेकिन योगी राज जी यहाँ पर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तस्वीरें हम सबने देखी, रिपोर्ट हम सबने देखी, सवाल है मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स का सवाल है, नाराज होना बिल्कुल जायज है योगी राज जी, ये तो बिल्कुल कानों में इन्होंने शीशा डाल दिया है, समझते देखते हुए भी ये लगातार योगी राज जी मध्य प्रदेश की एजेंसी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है, कई सारी चीजें, निराश नहीं है। 2023 में चुनाव जो होने जा रहा है, मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, इनसे उनको 18.5 साल में कोई नहीं, ठीक है योगी राज जी, कमलनाथ जी ने 15 महीने में दिखा दिया है, तो उनको उम्मीद है खान साहब योगी राज जी से। देखिए देखिए, मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ, जैसे एक जिक्र हुआ है इस रिपोर्ट में राजधानी के एक स्कूल का, कि वहाँ एक जगह 4 क्लास लग रही, राजधानी का एक स्कूल है सुभाष एक्सेलेंस स्कूल, एक समय था जब वहाँ हर कहीं किसी भी नंबर पर एडमिशन हो जाते थे, आज वहाँ एडमिशन के लिए 85-90% की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं। हम केवल ये, चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये तस्वीर जो दिखाई गई है ये चिंताजनक है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन केवल हम उसका एक ही पक्ष देखते रहे और दूसरे में हम 94,000 स्कूल में से, योगी राज जी 94,000 स्कूल में से अगर आप भोपाल के एक सुभाष स्कूल को आइडियल मान रहे हैं, तो इस सरकार की नाकामी का स्तर देखिए आप, परसेंटेज निकालिए क्या है भाई साहब, 94,000 स्कूल में से 1,000 स्कूलों में ऐसी कमियां होंगी, बाकी स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन योगी राज जी, शहरयाज खान जी और सुकृति जैन जी, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं, व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर तो व्यवस्था दुरुस्त करना पड़ेगा ना। बस निश्चित रूप से जहाँ पर अच्छी है वहाँ तो अच्छी है, बट जहाँ पर बच्चे गुहार लगा रहे हैं मामा जी से, आप टपकते छत के नीचे बैठे हैं छाता लेकर, नदी है वहां पर, दलदल में फंस रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, और जो राजभवन के पीछे रोशनपुरा बस्ती का जो हमने तस्वीरें दिखाई, तो ऐसी जो जगह है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ निश्चित रूप से, मैं तो सहमत हूँ इस बात से जी। देखिए 94,000 स्कूलों में से यदि हम तो तारीफ कर रहे हैं, जहाँ अच्छी व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, आवश्यकता है जी, लेकिन जहाँ सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर तो सुविधाएं दुरुस्त करनी पड़ेगी ना जैन साहब, कविता जी, दुरुस्त करना पड़ेगी, ये सरकार का कर्तव्य है। जैन साहब के पास मजबूरी है बोलने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं जैन साहब जी ने एक्सेप्ट किया है कि सुविधाओं की कमी है, जैन साहब जी, हाँ जैन साहब बिल्कुल उसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जैन साहब ने एक्सेप्ट किया है कमी को, मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा कि जैन साहब ने कुछ तो कोई मजबूरी नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को, और इसको और वचन देते हैं सुधार भी करेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं करेंगे, अब टाइम नहीं बचा, माफ करिएगा जैन साहब, अब टाइम नहीं बचा, जनता ने 18.5 साल बहुत टाइम दे दिया, अब तो कमलनाथ सरकार आके मध्य प्रदेश में विकास करेगी, और जो छिंदवाड़ा विकास मॉडल मध्य प्रदेश में आपको देखना है तो चलिए मेरे साथ छिंदवाड़ा, आपको लगेगा कि ये मध्य प्रदेश का ही एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। लास्ट कमेंट योगी राज्य से ले लेते हैं, योगी राज्य लास्ट कमेंट। देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है अपने यहाँ सरकारी, मैं फिर वही कहूंगा, हम बहुत आसानी से कोर्स लेते हैं सरकारी व्यवस्था को, प्राइमरी में हम सरकारी व्यवस्था कोसते हैं, जब वो 12th करके MBBS में एडमिशन लेता है तो सबको सरकारी कॉलेज याद आते हैं, सबको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फिर करो ना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। तो हम केवल, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ये जो दृश्य आपने दिखा है, डेफिनेटली ये चिंता की बात है, सरकार को यदि कलीस पे दुरुस्त कर दे
तो ये सरकार का मैं तो ऐसा नहीं मानूंगा। यदि एक एक करके आप ऐसे स्कूल सुधारेंगे, इस बात से सहमत नहीं हूँ। योगीराज जी माफ करिएगा, मैं इंटरवीन करूंगा जी। प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आपने ये जो तंस मारा है कि अगर MBBS के लिए सरकारी कॉलेजों को ढूंढते हैं तो ये मध्य प्रदेश के उन, ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। शहरयार खान जी आपका भी और सुकृति जैन जी आपका भी और योगीराज जी आपका भी। तो फिलहाल डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।